अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो डोमेस्टिक वर्कर्स है, जो आमिल मंजरी है, प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो है अगर वो जॉब छोड़ना चाहती है तो उनका क्या होगा। आज की वीडियो में मैं आपसे डिटेल से इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंटरेस्टिंग अपडेट जो है मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने एक गैर मुल्की का फाइनल एग्जिट जारी कर दिया और उसे अपने मुल्क जो है वो भेज दिया। अब दोस्तों हुआ क्या कि जो गैर मुल्की था, हायर पोजीशन पे था, उसने 30 सऊदियों को जो है वो डिसमिस कर दिया था, नौकरी से निकाल दिया था। तो इस पे सऊदी अरेबिया के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने सख्त एक्शन लिया और जो बंदा था गैर मुल्की, जो हायर पोजीशन पर था, उसे ही काम से निकाल कर उसका फाइनल एग्जिट लगवा कर उसे अपने घर जो है वो भेज दिया। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की जानिब, मेन टॉपिक की जानिब। तो वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा, लाइक करना फिर आप बाद में भूल जाते हो। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स या आमिल मंजरी जो है वो सऊदी अरेबिया आते हैं, उनके लिए एक प्रोबेशन जो है वो पीरियड होता है 3 महीनों का, यानी 90 दिनों का। वो अगर इन दौरान जो है वो काम नहीं करना चाहती, मतलब घर जाना चाहती, या कोई भी ऐसा रीजन होता है कि वो काम को छोड़ना चाहती और वो घर जाना चाहती, तो बिल्कुल उसको अलाउड है। और यहाँ पे होगा क्या कि उसे रिक्रूटमेंट कंपनी के हवाले किया जाएगा और इसके लिए एक नए वीजे का बंदोबस्त भी किया जाएगा। ये उसके हकूक है, मतलब अगर प्रोबेशन पीरियड के दौरान कोई भी आमिल मंजिली या डोमेस्टिक वर्कर जो है काम नहीं करना चाहती तो उसका जो है रिक्रूटमेंट कंपनी को उसको हवाले किया जाएगा और इसके लिए एक नया वीजा जो है वो अरेंज करवाया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा था। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपके इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा हो गया होगा। वीडियो पसंद ना जाने पर वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा। सऊदी अरब के तमाम तरह अपडेट्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जवाजात और बहुत सारे अपडेट्स को वक्तन फोक्तन उर्दू जुबान में अपने ही मोबाइल पर हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ चैनल से जुड़े रहने के लिए घंटी को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको वक्तन फोक्तन मिल सके। मिलता आपसे एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।